क्वेश्चन है ये 57 है जो 2018 ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट रुपया 40 एंड गेट एक्स परसेंट ऑफ। अगर वो किसी आर्टिकल को सेल करता है 40 रुपीज में, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक्स परसेंट, लेकिन अगर उसको सेल करता है 30 रुपीज में तब उसको लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वाला? ये क्वेश्चन नंबर है 57। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ प्राइस सिंगलिटी मान लिया है, इसके जो फार्मूले होते हैं विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, फार्मूले अलग तरह से हैं। लेकिन अगर हम कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट क्या लगाया है, मान लिया कि प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट कैसे नहीं होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यही होता है ना प्रॉफिट। मान लिया किसी आदमी ने कोई आइटम 40 रुपए की खरीदी, बेच के कितने उसने, ये क्रय मूल्य हुआ और ये विक्रय मूल्य हुआ, तो लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 50 माइनस 40, यानी कि 10 रुपए का लाभ। लेकिन यहां ध्यान रखना है जो लाभ आया वो 20 में आया, परसेंटेज नहीं आया। जब बात करेंगे लाभ प्रतिशत का, लाभ हमेशा किसको होता है, क्रय मूल्य में, किसको होता है, क्रय मूल्य में लाभ निकाल, ठीक है। अब ये 10 रुपए इस क्रय मूल्य के कितने परसेंट है, ये देखो
ठीक है। अब परसेंटेज जब किसी चीज के निकालते हैं, जैसे अगर आपने कभी कॉपी देखी है स्कूल में, जो टीचर चेक करते हैं उसमें मार्क्स देते हैं, उसमें क्या करते हैं, मान लिया 50 में से आपको कितना है 100, जो ऐसे लिखते हैं, यानी नीचे नीचे क्या आता है नंबर नंबर पेपर था, और यहाँ क्या आते हैं कॉपी के मार्क्स, या आपको नंबर कितने, ठीक है। इसकी यही अगर परसेंटेज हम निकाल लेंगे, कहने का सही है कि जो ग्रांट होता है नीचे आता है, जो छोटा संख्या वाला तो ऊपर आता है। बहुत ही कम केसेस में है कि जैसे मान लिया 40 रुपये खरीदी तो 100 की मिली, तो यहाँ हमारी बात हो जाएगा कि यहाँ बड़ी अमाउंट ऊपर आ जाएगी, छोटी नीचे आ जाएगी। तो ओके के बाद यहाँ से इसको क्या करना है, सौ से करना है, 100 से करेंगे परसेंटेज ही मिल जाएगी, 50 100 और 42 600, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको, कितने मार्क्स आए उसके 7, ठीक है। 50 30 नंबर अगर आ रहे तो कितने परसेंट मार्क्स आए उसके 60। अब यहाँ लाभ परसेंट निकालना, लाभ कितने रुपये होगा उसको, 10 रुपये निकलेगा किसमें, सही मूल्य में 10/4 और गुणा किस करेंगे 100, ठीक है। 40 से इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, इसके उसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आएगा 25 रुपये, ठीक है। जब लॉस की बात करेंगे, लॉस में क्या है, ये क्वांटिटी क्या दे रही है, ये जो 50 है लॉस अगर होगा क्वालिटी से नीचे, अगर वो बेचेगा तभी तो लॉस होगा, फिर क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस अपॉन क्वालिटी, यहाँ आएगा क्या माइनस में आ जाएगा, माइनस में निकाल लो लॉस निकालना, दिस माइनस दिस, तरह के प्रॉफिट के लिए दिस माइनस दिस। क्योंकि अगर आप देखें किसी चीज का लाभ कभी कर रहा है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लेकिन जब आप हानि की आएगी, हानि में क्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य क्रय मूल्य बड़ा होगा, तो यहां हम कर देंगे क्रय माइनस। अगर आप ये नहीं करते, यही लगा देते हैं विक्रय माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ जो लाभ परसेंट आएगा माइनस मार्जिन, तो सब कंसीडर नहीं करो तो लॉस होगा, प्लस का मतलब प्रॉफिट है और माइनस का मतलब लॉस। अब यहां देखते हैं हमने इसका क्रय मूल्य मान लिया ए, क्या मान लिया ए, और बेचा कितने में उसमें 40 रुपये, तो यहां पर अगर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट कब, जब उसने ए रुपये में तो खरीदा था, बेचा कितने में 40 रुपये, तो प्रॉफिट कितना आया 40 माइनस ए आया, यहां दिया हुआ है प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ उसको एक्स परसेंट, तो ये जो एक्स परसेंट है ये बराबर किसके होगा 40 माइनस ए, ये प्रॉफिट है किस पे, ए पे, हाँ ए पे, क्रय मूल्य मान लिया हमने इसका, ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य था, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट बराबर जो डिफरेंस आया, जैसे मान लिया कौन क्रय मूल्य इंटू ये क्वेश्चन बनेगी ना, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा, अगर वो 100 रुपये में सेल करता है तो लॉस हुआ, एक्स बराबर एक्स परसेंट उसको लॉस हुआ था, क्या करेंगे ए माइनस 30 अपॉन ए इंटू 100, दोनों x के बराबर है तो a इक्वल इसको लिख सकते हैं, जब हम इसको इसके इक्वल लिख देंगे 40 माइनस a अपॉन a इनटू 100, a माइनस 30 अपॉन a इनटू 100, 100 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या आया 40 माइनस a बराबर a माइनस 30 इक्वल ले जाओ, ये 30 का होकर के 20 है, ठीक है, 30 की जगह क्या लिखेंगे हम,
यहाँ क्या हो गए इनको ये हो गया तो आया 60,000 ये क्वांटम कितना आ रहा है लाभ लाभ अगर होगा भी क्रय मूल्य ज्यादा होगा या कम होगा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो विक्रय मूल्य माइनस ये तो तेरा लाभ हुआ रुपी सीधा इसमें आएगा रुपी इसमें आएगा लेकिन अगर हमने कहा लाभ ठीक है लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा ये कितना हुआ विक्रय माइनस पहले जो लाभ हुआ इस बार ठीक है ठीक है अगर हानि हो हानि में बात लगा है हमारा क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हानि प्रतिशत निकाल लेंगे क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और क्रय मूल्य परसेंटेशन निकालने के लिए दोनों में 17 मिली देना है 10 मिलीटर प्रॉफिट लॉस 10 मिली होता है 10 मिली पर ही होगा दोनों में हाँ दोनों में नहीं सारी दुनिया में तो छोड़ दो आप लोग प्रॉफिट निकालते हैं मेरे क्रैक ले भाई निकलता ठीक है क्या अगर हमें सपोज करो x का y परसेंट निकालो कैसे निकालते हो x इनटू y अपॉन परसेंट ठीक है 70 का माइनस 70 परसेंट निकालो क्या तरीका हुआ 17 to 70 upon 100 = 49 ये परसेंटेज निकालने का है इसी बात कितना परसेंट निकाल ठीक है इसी संख्या का प्रतिशत निकाल ठीक है अब अगर हमारे पास जो संख्या दी हुई है और वो पूछे कि वो कितने प्रतिशत है किसी का पूछता है ना कितने प्रतिशत तो इसके लिए ध्यान दिए अपनी जैसे नंबर मिलते हैं मान लिया हम लोग पूछे 1000 में से 450 कितने परसेंट है तो क्या करेंगे वो सुनूंगा कितना परसेंट आएगा
450 जीरो दोनों कैंसिल पर बल्ब पर कैंसिल, ठीक है। There are 24 queries space with points lying on the circumference of a circle. What is the maximum number of equilateral triangles that can be drawn by taking sets of three points as the vertices? एक सर्किल है, ठीक है, इस पे 24 पॉइंट्स हैं बराबर बराबर पर, एक दो तीन चार तीन हो गए, ठीक है। इसके बाद एक दो तीन, ये हो गए 12। अब 24 करने हैं, तो एक तीन चार तो भी इस तरह से है पॉइंट्स है, तो कह रहा है कि इनमें से एक दिन पॉइंट्स लेकर कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, ये लेटर इक्विलेटरल का मतलब संभव इसकी सारी भुजाएं समान, ठीक है। इस तरह, ठीक है। ऐसे तो अगर हम कॉम्बिनेशन से निकालते हैं कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन से, हाँ क्या कर लेते हैं 24 सी सी 24 में से तीन अगर हम ले तो कितना आएगा 24 गुना 23 गुना 22 एक गुना दो गुना तीन 24 दो चौक बारह, इन सभी मल्टीप्लीकेशन कर लो तो टाइम्स होंगे, लेकिन कंडीशन भी इक्विलेटरल यानी कि संभव होगा। संभव कंडीशन में क्या है कि तीन पॉइंट अगर एक बार ये पॉइंट दोबारा किसी और ट्रायंगल में रिपीट नहीं होगा, अगर आपने रिपीट करोगे तो वो इक्विलेटरल नहीं रहेगा, अगला जो ट्रायंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो इसी तरह से तीन चार इस तरह बनाओ, यानी कि 24 में से कितने बिंदु लेकर तीन बिंदु लेकर एक बनता है, तो तीन अट्ठे टोटल 8 बन गए। अगर हम फिर मतलब मन करें हमारा कोई, इसका मतलब पता क्या होता है 24 सी 3
इन तीन में से कोई तीन ले लो, मगर